नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योर इंडियन टेक न्यूज़ में। दोस्तों आज हम बात करने वाले टेम्पर्ड ग्लास के बारे में, जो कि आप अपने बहुत सारे फोन्स में लगाते हैं, जो कि पुराना फोन हो या फिर नया फोन हो। कोई आप कोई नया फोन लेते हैं तो आपकी जरूरत बन जाती है कि हम अपने फोन में टेम्पर्ड ग्लास वगैरह लगाएं, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हम बात करने वाले हैं टेम्पर्ड ग्लास के बारे में, जो कि मार्केट में बहुत सारे टेम्पर्ड ग्लास मिलते हैं और आपको जानने की इच्छा भी होगी कि कौन से टाइप के टेम्पर्ड ग्लास मिलते हैं और उसके जो ऊपर लिखा रहता है 9D, 2D, 11D ये सब किस बारे में लिखा रहता है और जो 9H करके कॉन्सेप्ट है वो भी क्या होता है वहाँ पे, तो मैं इसी के बारे में आज बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आज दोस्तों आज के टाइम पे ज़रूरत बन जाती है कि हम अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को प्रोटेक्ट करें, चाहे वो कौन सा भी प्रोटेक्शन दे दे, यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 5 दे दे, 6 दे दे, कुछ भी दे दें वहाँ पे, लेकिन हमारे दिल के अंदर एक रहता है कि यार इससे नहीं काम नहीं चलेगा, हम एक और प्रोटेक्शन ऐड कर देते हैं। जब वो कि जाहिर बात भी है क्योंकि स्मार्टफोन इतने, मतलब हम पैसे डाल के अपने स्मार्टफोन लेते हैं, थोड़ा पैसा जाता है उसमें, तो ठीक है, या फिर वो टूट जाएगा गिर के तो फिर मतलब नहीं, मज़ा नहीं आएगा और दोस्तों दुख भी बहुत होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि उसमें टेम्पर्ड ग्लास यूज कर लेते हैं, अपनी स्क्रीन के जो प्रोटेक्शन रहती है वो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, वो हालांकि हो या ना हो लेकिन हमारे दिल में ऐसा रहता है कि हम थोड़ी सी प्रोटेक्शन बढ़ा लें, और थोड़ा प्रोटेक्शन बढ़ती भी है, मैं आगे आपको दोस्तों बताऊंगा कि इस वजह से बढ़ जाती है वो, तो ऐसा सब कुछ होता है। तो हम टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं, चाहे वो फ़ोन पुराना हो या फिर नया हो, बिल्कुल हम टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट निकल गया था टेम्पर्ड ग्लास का, वो निकल गया था स्क्रीन गार्ड से, जो पहले प्लास्टिक वाले स्क्रीन गार्ड आते थे उससे निकल गया था। लेकिन स्क्रीन गार्ड में क्या होता था, उसमें बहुत सारे स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाते थे और फिर उसको बार बार निकाल के फेंकना पड़ता था, और वो काफ़ी थिन भी होता था और येलोइश भी पड़ जाता था वो आते आते टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या हुआ, फिर जब टेम्पर्ड ग्लास का कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ तो यहाँ पे सबसे पहले आता था 2D ग्लास, ठीक है। 2D ग्लास में क्या होता था कि वहाँ पे जो पॉइंटेड एजेस रहते थे, रेक्टेंगुलर शेप में आता था 2D ग्लास, ठीक है, वहाँ पे पॉइंटेड एजेस रहते थे, तो पॉइंटेड मतलब बहुत सारे लोग को लग भी जाता था, जब फिर थोड़ा थोड़ा पॉइंट से वो टूटने लगता था, तो इस वजह से कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया टेम्पर्ड ग्लास का 2.5D ग्लास, ठीक है। तो 2.5D ग्लास में क्या हुआ कि जो 2D ग्लास था उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग ने ये लाया कि 2.5D ग्लास कंपनी ने लेके आया, ठीक है। 2.5D ग्लास में क्या हुआ कि जो उसके एज थे, ठीक है, यहाँ पे जो ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में था, तो जो इसके पॉइंटेड एज होते थे उसको क्या कर दिया उन्होंने, कर्व कर दिया थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर्व कर दिया चारों साइड से, तो वो लुक में भी और अच्छा लगने लगा, और जो प्रॉब्लम थी उसकी, जो क्या बोलते हैं कि ऐसा चुप जाता था वो, या फिर किसी को हाथ में लग जाता था, वो वाली प्रॉब्लम पूरी सी सॉल्व हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, ये तो आया, फिर आया 3D ग्लास, फिर आया 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, 11D तक मैंने सुना है ग्लास, ठीक है। तो ये सब इतने सारे ग्लास आते चले गए, और होता क्या था कि उन ग्लास के ऊपर ऐसे डायमंड का शेप दिया रहता था और लिखा रहता था, उसके अंदर लिखा रहता है, ठीक है, 8D, 9D, 11D जो भी सब लिखा रहता है, ठीक है। तो ये सब के बारे में बताता हूँ, उसके पहले बात कर रहे थे, उसके नीचे अगर आप कोई कोई ग्लास में देखोगे टेम्पर्ड ग्लास में, तो वहाँ पे लिखा रहेगा 9H, ठीक है। 9H क्यों लिखा रहता है वहाँ पे, 9H का मतलब होता है कि आपने सुना होगा 2H, 3H, 5H, ऐसा जो पेंसिल्स आते हैं, ठीक है, पेंसिल्स का नाम सुना होगा आपने, दो 2H भी आती है, 3H भी आती है, सब पेंसिल के मतलब जो क्वालिटी रहती है, जो थिकनेस वगैरह रहती है, वो सब यहाँ पर रहता है, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ पे उसका मतलब ये होता है कि जो टेम्पर्ड ग्लास है वो उस पेंसिल से होके गुजरा हुआ है, ठीक है, उस पेंसिल से उस पर टेस्ट हुआ गया है कि यहाँ पे जो स्क्रैचेस वगैरह है उस पर ऐसे मार के देखा गया है पेंसिल से, तो वो उस पेंसिल से टेस्ट होके गुजरा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो उतनी मतलब जो हार्ड चीज रहेगी वो उसको बियर कर सकता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तो एक कॉन्सेप्ट करके हैं यहाँ पे कि उतने हार्डनेस को हम बियर कर सकते हैं जितना एच का वो रहेगा, ठीक है, जितने एच की वो पेंसिल वहाँ पे यूज़ की गई है 9H की, तो उतनी एच की पेंसिल से वो टेस्ट होके गुजर चुका है, ठीक है। तो उतना मतलब हार्ड वो आराम से सह सकता है, चाहे वो उतनी हार्ड की कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो नॉर्मल जब आप अपने स्क्रीन गार्ड में ऐसे कुछ स्क्रैच वगैरह कराते हैं तो जल्दी स्क्रैच होता नहीं है, वो ऐसा निकल जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। उसके बाद जो बाकी सारे निकलते गए कि 11D, 2D, 3D, 4D, जितना भी D निकले, पता नहीं कितने D निकल चुके हैं आज, मुझे भी पता नहीं है, तो मैंने 11D तक देखा है भाई। तो ये सब क्या है दोस्तों, मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े इसके बारे में, तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि नहीं, या फिर शो के लिए लगा रहा, तो बिल्कुल दोस्तों ये सिर्फ शो के लिए लगा के रखा है यहाँ पे, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है। अगर आप 11D बोलोगे तो कस्टमर सोचेगा यार, अरे यार भाई तो बहुत बढ़िया होगा, ये तो गोरिल्ला ग्लास 6 जो आता है, 7 आता है, उससे भी ज़्यादा हार्ड होगा ये, तो हम ये लगाएंगे, ठीक है, और उसके नाम पे उनसे ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो होता क्या है, जो 2.5D ग्लास होता है ना, बस वही रहता है, और बाकी सारे जितने भी ग्लास रहते हैं वो सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से वही सारे ग्लास रहते हैं, उसमें 2D, 5D, 11D ये सब करके उनको
मान चिपकाया जाता है कस्टमर को, ठीक है, और ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही था इस सारी वीडियो में। अगर आप पूछेंगे कि आपको ये टेम्पर्ड ग्लास लगाना चाहिए तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल लगा लीजिए आपके संतुष्टि के लिए, लेकिन आप ये मत करिए कि 2D 5D जो भी ये सब कॉन्सेप्ट है उसके साथ आप जाएं और फिर आपको ज़्यादा पैसे देने पड़े, तो ये मत करिए, नॉर्मल सा टेम्पर्ड ग्लास लगा ले। अगर नॉर्मल कोई फ़ोन थोड़ा सा भी गिरता है तो थोड़ा बच जाएगा, ठीक है, आपकी स्क्रीन थोड़ी सी बच जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हमारा एक गेमिंग चैनल भी है स्मैश स्क्वाड, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और हमारे डिस्कॉर्ड की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, उसको भी जरूर से फॉलो कर लेना और ज्वाइन कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे कोई और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।